अब देखिए, किरचॉफ्स जो है सर्किट थ्योरी में यानी परिपथ में आपका दो नियम दिए थे, ठीक ना। किरचॉफ्स इसका यह परिपथ के लिए दो नियम दिए, ठीक ना। यानी किरचॉफ्स का कितना नियम है? दो नियम। आप यहां से ये लिख दीजिए, किरचॉफ्स का दो नियम है, दो नियम है। पहला आप लिखिए किरचॉफ्स करेंट लॉ। क्या चीज लिखेंगे? किरचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक ना। आप ये लिखिए किरचॉफ्स करेंट लॉ। इसी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ, ठीक ना। देखिए, इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। देखिए, तीन नाम है, किरचॉफ्स करेंट लॉ उसी को बोलते हैं क्या, किरचॉफ्स का प्रथम नियम उसी को बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ठीक ना। आप ये लिखेंगे। देखिए, दूसरा होता है आपका, देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? KCL। क्या लिखते हैं? KCL, ठीक है। क्योंकि किरचॉफ्स करेंट लॉ, समझे ना। अब देखिए अगला है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी इसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, ठीक ना। लिखिए फिर पहला हेडिंग डालिएगा किरचॉफ्स करेंट लॉ का, ये लिखिए। लिखे ना, मिटा दें। बस नाम से कन्फ्यूजन नहीं हुआ ना, इसमें तीन नाम पूछ लेगा आप समझ जाएंगे, यही इसमें दोनों नहीं होगी। अब देखिए, अब आप लिखिए पहला नियम किरचॉफ्स करेंट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए किरचॉफ्स करेंट लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स का पहला नियम, और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? KCL। क्या लिखेंगे? KCL, ठीक है। आप आगे में ये लिख दीजिए पोस्ट में KCL, ठीक ना। यह नियम कहता है, इंग्लिश में कि हिंदी में? दोनों में। देखिए किरचॉफ्स करेंट लॉ क्या कहा जाता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर जितना भी करेंट आ रहा है यानी मिल रहा है उसको अगर जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो, ठीक ना। इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अब लिखिए करेंट की सभी शाखाएं लिखेगा हिंदी में, करेंट की सभी शाखाएं जो एक स्थान या बिंदु पर मिलती है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिखे, यहाँ पर दीजिए या, यानी या तो पहला डिफिनेशन था, अब दूसरा उसी का लिखिएगा, या
आने वाले एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आने वाली करंट, आने वाली धारा बराबर उसी बिंदु से जाने वाली धारा। एंड देखिए, एक बिंदु पर आने वाली धारा बराबर क्या होगा, जाने वाली धारा। रुक जाइए रुक जाइए, देखिए क्या कह रहा है यह। एक बिंदु पर, तो एक बिंदु यह है ठीक ना, इस बिंदु पर आने वाली धारा, तो इसका डायरेक्शन तो यह है, बिंदु तरफ आ रहा है, इस बिंदु से जाने वाली धारा तो यही ना है। मान लीजिए आने वाली धारा आई वन है, जाने वाली धारा आई वन है, वह दोनों क्या होगा बराबर, वह दोनों क्या होगा बराबर। अभी लिखे, रुकिए, अब इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिखिए, इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू क्या, आउट गोइंग करेंट। अब हम समझाते हैं ठीक। अब देखिए, इनकमिंग करेंट बराबर आउट गोइंग करेंट। लिखे, अब इसका हम सारा डिफिनेशन समझाते हैं क्या कहता है। इसको मिटाते हैं यहाँ तक। अब देखिए, क्या बोले कुछ, अब रुकिए तब लिखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, करंट की सभी शाखाएं जो एक स्थान या बिंदु पर मिलती है, ठीक ना, यहाँ तक पहले देखिए, एक स्थान एक बिंदु, मान लीजिए यह एक पॉइंट है वो, ठीक ना, यही ना एक बिंदु हुआ। इस बिंदु पर करंट के सभी शाखाएं जो इस बिंदु पर मिलती हैं, मान लीजिए इसमें बहुत क्या शाखा है, एक यह शाखा, यह शाखा, ऐसा ऐसा ऐसा, देखिए इधर से करंट क्या हो रहा है आपका, इधर से करंट इस पर जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, समझे। देखिए मान लीजिए आई वन है, आई टू है, आई थ्री है, आई फोर है, आई फाइव है, ठीक, समझिएगा बात को। क्या कह रहा है, करंट की सभी शाखाएं, तो जितना भी ये सारा है यह करंट की क्या है, शाखा ही है, शाखा एक स्थान पर मिलती है, एक बिंदु पर तो मिली नहीं, मिली तो उसका क्या कहता है, अल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, यानी सभी को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब देखिए, ये क्या कहता है, देखिए यहाँ से ऐसा लिख दीजिए, अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट बराबर जीरो, पहले यह लिखिए, इसका मतलब है करेंट का जोड़ क्या होगा, जीरो, पहले ये लिखिए। अब देखिए करेंट का जोड़ इट मींस क्या, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ समझिए, आई वन जो करेंट है जा रही है कि आ रही है पॉइंट की ओर, आ रही है, तो जब आ रही है तो इसका इसका डायरेक्शन अगर हम प्लस लें तो जाने वाली करेंट का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि देखिए डायरेक्शन इधर आता है और उधर जाता है, तो एक को डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या, निगेटिव। अगर आपको लेना चाहते हैं जो जा रहा है उसी को पॉजिटिव, तो जो आ रहा है उसको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, समझ रहे हैं यह बात। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर आई वन से चले तो आई वन जा रहा है या आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ ध्यान, आ रहा है यानी पॉइंट की ओर आ रहा है, इसका मतलब अगर आई वन को आप प्लस लिखें, ठीक ना, तो देखिए आगे बढ़िए तो आई टू जा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन का अपोजिट, तो बोलिए क्या होगा, प्लस इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, आई टू, यह बात समझे या नहीं। देखिए इसका डायरेक्शन हम प्लस लिए क्योंकि पॉइंट की ओर आ रहा है, आई टू का डायरेक्शन माइनस इसलिए लिए क्योंकि वह क्या रहा है, दूर जा रहा है। अब यहाँ आइए, यह दूर जाता है कि पास आता है, दूर जाता है, जब दूर जाता है तो क्या लिए, माइनस, इसका मतलब उसको जोड़ेंगे कितना से, माइनस आई थ्री, ठीक ना। और देखिए आगे बढ़ेंगे तो यह तो क्या है, पॉइंट की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन प्लस की माइनस, प्लस क्या चीज़, आई फोर, फिर क्या, प्लस आई फोर, सब को जोड़ेंगे तो बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, जीरो, ठीक ना। यही कहता है आपका करेंट यानी किरचॉफ्स करेंट लॉ। यहाँ से देखेंगे तो देखिए तो आई वन प्लस में आई फोर
प्लस में I5 प्लस में जो माइनस वाला है उसको उस साइड ले जाइए। तो देखिए यह माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो प्लस, यह माइनस उस साइड ले जाएंगे तो प्लस। इसका मतलब देखिए यह है आने वाली करंट की जाने वाली करंट, नहीं पॉइंट की ओर I1 I4 I5। देखिए I1 I4 I5 पॉइंट की ओर जाने वाली, नहीं पॉइंट की ओर आने वाली, उधर है पॉइंट से जाने वाली, या इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, इनकमिंग है, यह सब क्या रहा आ रहा है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट लिख सकते हैं ना, इधर क्या हो गया आउटगोइंग करंट। यह हम दूसरा अथवा में लिखाए थे कि इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है आउटगोइंग करंट, आप ये भी लिख दीजिए। चलिए इतना तो लिखिए, ये बात समझ में आया या नहीं। देखिए यहाँ का डायरेक्शन समझना जरूरी था। अगर एक आ रहा है तो उसका डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लिए तो जाने वाली करंट का डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, नहीं तो यह हम डायरेक्शन ले लिए। अगर सबका बीज गणितीय योग क्या होना चाहिए, जीरो, तो सबका जोड़ यानी बीज गणितीय योग क्या हुआ, जीरो। यहीं से हम निकाले हैं तो इनकमिंग करेंट बराबर क्या होता है आउटगोइंग करेंट। ये आप लिख करके ऐसे कर दीजिए, यही है आपका पूरा क्या किरचॉफ्स करेंट लॉ, कितना ईजी था है नहीं जी। अब ये देखिए इस पर हम दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए और इजी हो जाएगा। लिखिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। आप 9th 10th के आप पढ़े होंगे किसमें, मालमादिका बुलक में, नहीं हाँ, यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं कि नहीं, लिखिए तब तक। इसका जो हम मान लिखेंगे वह नहीं लिखेगा आप लोग, हाँ बोलिए। नहीं, दो से ज़्यादा होना चाहिए उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन बोलते ही। जैसे देखिए जंक्शन स्टेशन में अंतर तो समझ ही गया होगा, जहाँ पे एक गाड़ी, जहाँ पर दो पाथ हो आने का जाने का उसको तो स्टेशन बोलेंगे, जहाँ पर बहुत सारा गाड़ी सभी दिशाओं से एक जगह पर मिलते उसको जंक्शन बोलते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर हम लिखाए थे करेंट लॉ में जंक्शन लॉ भी दिए थे, नहीं इसका मतलब देखिए कितना करेंट का शाखा है आ एक स्थान पर मिलती है तो उसको जंक्शन तो बोल सकते हैं, ठीक है। लिख लिए ना, हो गया। देखिए अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में लिखेंगे इफ I1 = 5 एम्पियर, I2 = 2 एम्पियर, I3 = 10 एम्पियर एंड I4 = 3 एम्पियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I5। देखिए ये लिखिए कि यदि I1 I2 I3 I4 का मान इतना है तो I5 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लिखिए, एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद कीजिएगा, देखिए और आसानी से कीजिएगा।
लिखे ना, क्या बोले ये इफ आई एफ इफ, ठीक है ना, लिख लिए ना। अब देखिए जब यह भी आपका इससे है, आप ये लिखिए इस तरह से लिखिए, ये फिगर भी बनाइए, ये भी लिखिए, ऐसे लिखिएगा फिगर बिलो, यानी फिगर बिलो ये चीज़ है, फिगर भी बनाइए। फिगर बनाइए, देखिए लिख लिया। तो देखिए जब इस तरह से रहे तो समझ जाएंगे यह किसके फॉर्मूला से है, यानी KCL का है प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या है KCL क्या कहता है, जंक्शन लॉ की सभी शाखाएं एक पॉइंट में मिलती है, KCL लॉ में आएगा। तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में कि अप्लाइंग KCL एट पॉइंट, देखिए किस पॉइंट पर अप्लाई करना है, ओ पॉइंट पे नहीं। तो देखिए अप्लाई KCL एट पॉइंट ओ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इनकमिंग करेंट बराबर क्या आउटगोइंग करेंट, या तो जानते हैं आउटगोइंग करेंट। तो देखिए इनकमिंग करेंट मतलब आने वाली करेंट, तो देखिए आने वाली सम ऑफ यानी कि जोड़ सम ऑफ, देखिए आने वाली करंट क्या हुआ, देखिए 5 एम्पियर यानी I1, तो देखिए I1 और कौन आ रहा है, देखिए आने वाली करंट, फिर यह भी आ रहा यानी क्या I4, फिर क्या I5 भी आ ही रही है I5, और देखिए जाने वाली करंट क्या I2 और प्लस क्या I3 नहीं, और सबका वैल्यू हम रखेंगे, I1 का मान बताइए 5 एम्पियर, I4 का मान बताइए I4 का 3, I5 का x, I2 का कितना 2 एम्पियर, I3 का कितना 10 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए 5 3 कितना 8 प्लस x इजकल टू कितना 12, यहाँ से देखिए x इजकल टू 12, यह प्लस इस सेट जाएगा तो माइनस, इसका मतलब क्या x का वैल्यू कितना 4 एम्पियर नहीं, कितना हो गया 4 एम्पियर, यानी आने वाली करेंट क्या हो गया 4 एम्पियर। तो देखिए यह प्लस होगा कि 4 माइनस में, प्लस में, क्योंकि क्या है आने वाली करंट है नहीं। तो देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा I5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर, आंसर समझे या नहीं, समझ गए ना। चलिए इसको तो आप लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम देते हैं। और देखिएगा अब इतना नहीं बनाना, सिर्फ देख के उत्तर मारने वाला है ना, सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग समझना है और देख के उत्तर मारिएगा। लिखिए इसको बनाइए,